हेलो एवरीबॉडी, आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x plus 1 by 7 plus 5y minus 3 by 3 equal to 12 and 3x plus 2 by 2 minus 4y plus 3 by 9 is equal to 13। इन दोनों को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां हम लोग इक्वेशन 1 से स्टार्ट कर रहे, तो लिखेंगे From equation 1, we have equation 1 हम लोग के पास है 2x plus 1 by 7 plus 5y minus 3 by 3 is equal to 12। यहां पर हम लोग x का वैल्यू y के टर्म्स में निकाल रहे, ठीक है। तो 7 और 3 का LCM हो जाएगा 21। 7 से 21 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 3 से 21 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 5y 35y, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 by 21 is equal to 12। ये हो जाएगा 6x, 3 और minus 21 हो जाएगा minus 18 plus 35y by 21 is equal to 12। ये हो जाएगा 6x minus 18 plus 35y is equal to 12 into 21। 6x minus 18 plus 35y is equal to 12 into 21 हो जाएगा 12, 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 1 25। ये हो जाएगा 6x is equal to 252 plus 18 minus 35y। ये हो जाएगा 6x is equal to 252 plus 18 हो जाएगा 270 minus 35y। x is equal to 270 minus 35y by 6। इसको हम लोग equation 3 बोलते हैं। यहां हम लोग x का value y के terms में निकाले, ठीक है। इसको हम लोग substitute करेंगे equation 2 में, लिखेंगे from equation 2 we have, equation 2 हम लोग पास है 3x plus 2 by 2 minus 4y plus 3 by 9 is equal to 13। 2 और 9 का LCM हो जाएगा 18। 2 into 18 9 times, तो 9 into 3x plus 2 minus 9 से 18 2 times, तो 2 into 4y plus 3 is equal to 13। 9 into 3x हो जाएगा 27x plus 9 into 2 18 minus 2 into 4y हो जाएगा minus 8y minus 2 into 3 हो जाएगा minus 6 by 18 is equal to 13। ये हो जाएगा 27x 18 और minus 6 हो जाएगा plus 12 minus 8y by 18 is equal to 13। ये हो जाएगा 27x plus 12 minus 8y is equal to 13 into 18। ये हो जाएगा 27x plus 12 minus 8y is equal to 13 into 18 हो जाएगा 13, 8 जा 104, 13, 1 जा 13 plus 10, 23। ये हो जाएगा 27x minus 8y is equal to 234 minus 12। ये हो जाएगा 27x minus 8y is equal to 234 minus 12 हो जाएगा 222। यहां पर हम लोग x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन अबव इक्वेशन वी गेट, ये हो जाएगा 27 इंटू एक्स का वैल्यू है 270 - 35y / 6 -8y इज इक्वल टू 222। यहाँ पर 27 और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 = 27, 3 2 = 6, 9 इंटू 270 हो जाएगा, 9 0 = 0, 9 7 = 63, 9 2 = 18 प्लस 6 24 माइनस 9 × 35y हो जाएगा 315y / 2 -8y इज इक्वल टू 222। ये हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2430 माइनस 315y, 1 से 2 2 टाइम्स, तो 2 इंटू माइनस 8y हो जाएगा माइनस 16y इज इक्वल टू 222। ये हो जाएगा 2430 माइनस 315y माइनस 16y हो जाएगा माइनस 331y / 2 इज इक्वल टू 222। 2 को उधर मूव करेंगे तो हो जाएगा 2430 - 331y इज इक्वल टू 222 × 2। ये हो जाएगा 2430 - 331y इज इक्वल टू 222 × 2 हो जाएगा 444। ये हो जाएगा माइनस 331y इज इक्वल टू 444 माइनस 2430, ये हो जाएगा माइनस 331y इज इक्वल टू 444 माइनस 2430 हो जाएगा 6891, ये हो जाएगा माइनस 1986, y इज इक्वल टू माइनस 1986 - 331। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1986 को 331 से, ये जाएगा 6 टाइम्स, 6 1 = 6, 6 3 = 18, 6 3 = 18 और 1 19, ये 331 माइनस 331 से वन टाइम में जाएगा और माइनस 1986 सिक्स टाइम्स में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 हम लोग पास है, x इज इक्वल टू 270 माइनस 35y / 6 इज इक्वल टू 270 माइनस 35 इंटू वाई का वैल्यू है 6 / 6, ये हो जाएगा 270 माइनस 35 इंटू 6 हो जाएगा 210 / 6, 270 माइनस 210 हो जाएगा 60 / 6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 = 6, 6 10 = 60, तो x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है।